हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द होम्स एंड टूरिस्ट मैप जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज़ के हवाले से पढ़ेंगे मैप में हम पहले ही मुख्तफ जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर चुके हैं जिसमें प्योर था जिसमें जैसे फर्दर सब डिवाइडेड था अथरेटिकल में और डिस्क्रिप्टिव uh, स्टडीज़ के अंदर और जिसमें हम थ्रेटिकल को हमने पढ़ा था जनरल पार्सल के हवाले से और पार्सल के आगे फर्दर सब डिवाइडेड था इसी तरीके से प्योर की जो दूसरी साइड है जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी है उसे मज़ीद तीन हिस्सों में उसने डिवाइड किया तीन हिस्सों में डिवाइड करते हुए उसने देखा कि एक उसने प्रोडक्ट ओरिएंटेड डीटीएस का नाम दिया प्रोडक्ट ओरिएंटेड डीटीएस बेसिकली एक ऐसा मेथड या ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं ट्रांसलेशन को ले रहे हैं ऐसा एग्जिस्टिंग ट्रांसलेशन को ठीक है आप उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं एनालिसिस करते हुए आपने एक बात को जहन में रखना है कि आपने एनालिसिस या डिस्क्रिप्शन देनी है सोर्स टैक्स और टारगेट टैक्स के जो पेयर्स हैं उनका आपस में ठीक है एनालिसिस करते हुए आप डिस्क्रिप्शन दोगे सोर्स टैक्स की और टारगेट टैक्स की दूसरी जो है कंपैरेटिव एनालिसिस आप करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के टारगेट टैक्स एक ही सोर्स टैक्स होता है उसके आप मल्टीपल आप उसके जो टारगेट टैक्स में कन्वर्ट करते हो फॉर एग्जांपल आप उमर याम की रुबायात है आप उसने पर्शियन लैंग्वेज से आप उसमें इंग्लिश में भी करते हो ट्रांसलेट करते हो आप फ्रेंच में भी करते हो मुख्तलिफ़ानों के अंदर कर रहे हो तो बेसिकली आप इसमें प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे हो अब जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है ये एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें आप कोई भी स्मॉलर स्केल स्टडीज ले लेते हैं जैसे कि एक कोई भी सोर्स टैक्स ले लिया है और फिर उसे लार्जर बॉडी ऑफ स्केल में डिवाइड करते हैं उस पर स्टडी करते हैं एनालिसिस करते हैं कंपेरेटिव स्टडी कर रहे होते हैं तो इसमें आप, आपने कोई भी टैक्स लेना है कोई भी डिस्कोर्स लेना है ठीक है आपने उसके अंदर जो है लैंग्वेज को भी चेक कर रहे होते हो फिर स्पेसिफिक टाइम पीरियड को भी देख रहे होते हो ठीक है तो ये जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड डीटीएस है जिसमें आप एग्जिस्टिंग ट्रांसलेशन को ले रहे होते हो ठीक है उसे एग्जामिन कर रहे होते हो और डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं एनालिसिस ऑफ एस टी 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 पेयर्स का सोर्स टैक्स और टारगेट टेक्स्ट uh, के जो पेयर्स होते हैं उनका या कंपेरेटिव एनालिसिस जो मल्टीपल टारगेट टैक्स में आप डिवाइड करते हो किसी भी सोर्स टैक्स को आ, उसके अंदर उन सब चीज़ों का एनालिसिस की आ, करते हो हम किसमें करते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो है डीटीएस उसमें इसकी एक एग्जांपल ये भी हो सकती है आप ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं इंग्लिश से ट्रांसलेशन मुख्तफ इंग्लिश से आपने ट्रांसलेशन किया है टारगेट टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है तो इसमें मल्टीपल जो है अगर सेवन चाइनीस पेयर्स हैं इस्तेमाल करते हो चाइनीज़ लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो अब जैसे कि अब चाइना के अंदर भी मतलब एक ही न, रीजन की लैंग्वेज नहीं होती उसमें मुख्तलिफ रीजन है जैसे वीगर्स हैं उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है ठीक है मेन लैंड वालों की डिफरेंट मुख्तलिफ जो जबानें हैं उनमें जो है डिफरेंस कंपेरिटिव कर रहे हो आप कि आप जैसे उमर हयाम की मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि पर्शियन से आपने उससे सेवन चाइनीज़ पेयर में डिवाइड करते हैं तो इस तरह हमने कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रा कर रहे होते हैं या फिर हम ऐसे कर रहे होते हैं कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स ले रहे होते हैं और उसमें हम एनालिसिस भी दे रहे देख रहे होते हैं कंपेरेटिव स्टडी को भी देख रहे होते हैं साइंटिफिक रिपोर्ट्स आपको पता है कि उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं आप जो है रिजल्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं एनालिसिस कोई भी या कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने होती है साइंसटिफ़िक रिपोर्ट के अंदर आप उसको एड्रेस कर रहे होते हो रिजल्ट्स को देखते हो इवन एंड में जो भी रिजल्ट्स वगैरह आते हैं आपके कंक्लूजन ड्रा होते हैं रिकमेंडेशनस आ रही होती हैं तो ये इस टाइप की स्टडी है फर्दर um, जो है जो लार्जेस्ट स्केल स्टडीज़ को वो कहता है कि होम्स ने अपने मैप के मुताबिक आगे फ़र्दर जब हम इसकी डिटेल स्टडी पढ़ते हैं तो कहते हैं इसे दो हिस्सों में डिटेल स्टडी को लार्जेस्ट स्केल जो बॉडी ऑफ ट्रांसलेशन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया कहता है दो किस्म की ट्रांसलेशन की जाती है एक जो डायक्रॉनिक होती है और एक सेंक्रॉनिक होती है जो डाइक्रॉनिक ऐसी ट्रांसलेशन होती है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डाइक्रॉनिक के अंदर चेंज हो रहा होता है आप कह सकते हैं जैसे एलिजबन टाइम पीरियड को देख लें उसके बाद प्योरिटन टाइम पीरियड जैकबिन में आ जाते हैं विक्टोरियन में आ जाते हैं तो आप मॉडर्न टाइम पीरियड में तो उसमें उस आ, टेक्स के अंदर उस डिस्कोर्स के अंदर उस लैंग्वेज के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ट्रांसलेशन आप कर रहे होते हो चेंजेस कर रहे होते हो सैनक्रॉनिक जो होता है आ, वो एक कोई भी टाइम पीरियड उसमें एक सिंगल पॉइंट डिफ़ाइन कर लिया जाता है ये कोई भी टाइम पीरियड जैसे मैं मॉडर्न टाइम पीरियड को ले रही हूँ या मैं आ, कोई भी जनरा में से ले सकती हूँ नावल ले सकती हूँ ड्रामा ले सकती हूँ पोइट्री ले सकती हूँ उनमें से एक पकड़ लेती हूँ और उस पॉइंट पर फोकस करती हूँ मॉडर्न फीचर्स के ऊपर उस टाइम पीरियड के ऊपर उस टेक्स का एनालिसिस कर रही होती हूँ और उसे दूसरी जबानों के अंदर ट्रांसलेशन कर रही होती हूँ इस तरह ये डाइक्रॉनिक डी आई सी एच आर ओ एन आई सी डग्रॉनिक और सैनक्रॉनिक इसने दो टाइप्स की लार्जेस्ट स्केल ऑफ स्टडीज बता दी इसके अलावा जो सेकेंड है वो फंक्शन है जिसको डीटीएस कहते हैं अब फंक्शन है, होम्स मैप के मुताबिक वो इसको अम, एक ऐसी स्टडी के तौर पे लेता है जैसे सोशियो ट्रांसलेशन स्टडीज़ का नाम दिया सोशियो ट्रांसलेशन आपको पता है सोशियो uh, का बेसिकली आपकी कंसर्न जो होता है सोसाइटी के साथ होता है आपके कल्चर के साथ होते हैं ठीक है थीके? कोई भी ग्रुप ऑफ़ पीपल या आपकी सोसाइटी के अंदर कोई कम्यूनिटी एग्जिस्ट कर रही होती है ठीक है जब आप ट्रांसलेशन करते हो सोर्स सोर्स टेक्स के uh, बाद टारगेट टेक्स के अंदर तो ये बेसिकली आप टारगेट टेक्स को मद्देनज़र रखते हो और जब ट्रांसलेशन कर रहे होते हो कॉन्टेक्स को आपने अपने जहन में रखते हुए उसकी ट्रांसलेशन करनी होती है आप ये नहीं करते सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस करते रहें कि हाँ जी ये टेक्स्ट कहाँ से आया कब इसको ट्रांसलेट किया ठीक है, है और इसका जो है टारगेट टेक्स्ट पर क्या इन्फ्लुएंस होगा सो so बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे आप सोर्स ट्रांसलेशन स्टडी कहते हैं और ये डिस्क्रिप्शन या इसका पर्पस यह होता है कि आपने एनालिसिस करना होता है किसी भी टारगेट टेक्स्ट के अंदर जो ट्रांसलेशन आप सोर्स टेक्स्ट से टारगेट एक्स में कर रहे होते हो उसके सो, सोशियो कल्चर जो सिचुएशन है उसको आप देख रहे होते हो उसके कल्चर के इन्फ्लुएंस देख रहे होते हो सोसाइटी के कि आप जो ट्रांसलेशन कोई कोई आपस में कोई क्लैश तो नहीं है कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं क्रिएट हुई बेसिकली आपको कहते हैं ना एंड प्रोडक्ट जो मिल रही होती है एंड यूज़र उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारी के सारी ट्रांसलेशन को कर रहे होते हैं इसकी आप, जो है बेस्ट एग्जांपल आप अगर आप देखें तो आप डेज हम लोग जो है सोशियोलॉजी का वर्ड यूज़ करते हैं सोशियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें आप जो सोसाइटी के अंदर रहने वाले मुख्तलिफ लोग हैं या अफराध हैं या मुख्तलिफ अफराद का एक माशरा है उसके अंदर आप उनके आप, आपसी जो रिलेशनशिप होते हैं उसको स्टडी कर रहे होते हो ठीक है एक दूसरे पर इंफ्लुंस क्या होता है कल्चर क्या होता है इन सब चीज़ों को देख रहे होते हो सोशियोलॉजी के अंदर सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है ठीक है इसी तरह आज इसी स्टडी को अगर उस टाइम में होम्स के मैप के मुताबिक उसने तो उसे डी टी एस या सोशियो ट्रांसलेशन स्टडीज़ में में एक नाम दिया कॉन्टेक्स के हवाले से आपने ट्रांसलेशन करनी है आपने जो है सोसाइटी के हवाले से और रेसिपिएंट जो रिसीवर होता है उसके हवाले से करनी है ट्रांसलेशन लेकिन आजकल इसे हिस्टोग्राफी के एक जमरे में एक नई ब्रांच के तौर पे लिया जाता है जिसमें आप हिस्ट्री या टाइम पीरियड के हवाले से ट्रांसलेशन कर रहे होते हो अब ऐसा था कि जब इसने ये फंक्शन और अप्रोच जो थी जो आप कह सकते हैं पर्पज़ औरड अप्रोच जो थी उस वक्त उसने इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी होम्स ने अपने मैप के अंदर इतनी डिटेल स्टडीज़ नहीं दी लेकिन अब विदेज ऑफ टाइम रिसेंट यर्स में जो ट्रांसलेशन स्टडी है वो एक्सपेंड होती गई और उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट होता गया ठीक है ये इसके कुछ आ, कहते हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फिर इसके बाद थर्ड वन है प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच डीटीएस जिसे कहते हैं इट इज़ अ साइकोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन होम्स फ्रेमवर्क वो कहता है कि होम्स कहता है कि हमेशा याद रखें जब कोई ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर रहा होता है तो उसकी साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है क्योंकि उसकी साइकोलॉजी जो है बेस्ड कर रही होती है ट्रांसलेशन में जो आउटपुट हमें जो प्रोडक्ट मिल रही होती है उस पर बहुत ज्यादा उसके असरा मुरतब होते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप उसके वर्क को जब देख रहे हो तो आप देखने की जरूरत है कि वो ट्रांसलेशन करते हुए उसके माइंड में क्या चीज़ है कहीं वो बाइसटेंस का शिकार तो नहीं है कहीं वो एक खास ही कल्चर या किसी खास ही ट्रेडिशन या रिचुअल से इंफ्लुंस्ड होता है और उसके बाद उसको जो है ना ट्रांसलेट कर रहा होता है सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट में इसके अलावा हमने वर्क को को जो भी ट्रांसलेशन सोर्स टेक्स्ट का हमारा जो टेक्स्ट मटीरियल हमारे पास मौजूद होता है कोगनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको स्टडी करते हैं कोगनेटिव में ये होता है कि आपने देखना होता है कि जो आर्गमेंट्स दिए जा रहे हैं जो उसमें डिटेल दी जा रही है ट्रांसलेशन स्टडीज में वो रीजनिंग या थिंकिंग जो है इंटेलेक्चुअल लेवल किस लेवल से इसको डिफाइन कर रहे हैं ठीक है इसी तरह इसको कहते हैं इसमें आप कह सकते हैं कि इंक्लूड कर सकते हैं थिंक अलाउड प्रोटोकॉल ये थिंक अलाउड प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोसेस होते हैं कि आपने लाउडली किसी चीज़ को थिंक करना होता है और साथ साथ उसके जो ट्रांसलेटर जो भी लाउडली सोच रहा होता है वर्बली बोलता है उसे रिकॉर्ड किया जाता है और उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो एक तरह से एक महफूज हो जाती है वर्बलाइजेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस हो जाती है एज दे ट्रांसलेशन जैसे जैसे वो ट्रांसलेट होती जा रही है अब कहते हैं कि मोस्ट रिसेंट जो टाइम पीरियड है इसमें एक टेक्नी जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई वक्त के साथ साथ तो नई से नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं जो है प्रोसेस ओरिएंटेड डीटीएस में इंट्रोड्यूस होती गई ये उसका मैप का भी हवाला दे रहा है और साथ साथ रिसेंट जो स्टडीज़ है उसका भी यहाँ पे वो कहते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजीज की वजह से आजकल जैसे वो कॉगनेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अगर कहा था या माइंड ऑफ ट्रांसलेटर के हवाले से बात की थी तो आज एक आई ट्रैकिंग जो टेक्निक है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आपकी आई मोमेंट को देखा जाता है और फिर इसके वर्कआउट को सारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया जाता है कि जब वो सोर्स टेक्स से टारगेट टेक्स में ट्रांसलेशन की तो किस पॉइंट ऑफ व्यू क्या उसकी रीजनिंग थी क्या इंटेलेक्चुअल लेवल था थिंकिंग इन सब चीज़ों को एक तरह से अंडर uh, ऑब्जरवेशन रखा जाता है वो कहते हैं कि यही uh, वजह है कि आप देखते हो कि अब ये जो सिस्टम है होम्स ने इतना डीपली इसको स्टडी नहीं किया था लेकिन आजकल ये सिस्टम बड़ा ही ऑर्गेनाइज हुआ कैसे उसने प्रोसेस ओरेंटेड डी की एग्जाम्पल भी दी और इसे न्यू टेक्नोलॉजी दौरे हाजिर के साथ जो है आपस में कोरिलेट करने की कोशिश की इसी तरीके से फंक्शन ओरिएंटेड था जिसमें सोशियो कल्चर था सोशियो ट्रांसलेशन स्टडीज़ की बात कर रहा है तो उसे रिसेंट ईयर में सोशियोलॉजी uh, और हिस्टो, हिस्टोग्राफी के साथ उसने कोरिलेट किया सो so, ये ऐसे uh, तीन इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो उसने एक्सप्लेन किए कि किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव स्टडी को हमने प्रोडक्ट ओरिएंटेड डीटीएस, फंक्शन ओरिएंटेड डीटीएस एंड प्रोसेस ओरिएंटेड डीटीएस में हमने डिवाइड uh,